चैत्र नवरात्र के पहले दिन यानी 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू संगठनों ने बाइक रैली निकाली थी। इस रैली के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था। इन सांप्रदायिक झगड़ों के बाद पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इन सब के दौरान सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि मीना और गुर्जरों ने करौली में उस मस्जिद पर बजरंग दल का झंडा फहराया जहाँ से पथराव किया गया था। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। भाजपा नेता सुजीत कुमार ने बिना वीडियो पोस्ट किए ऐसा ही दावा किया और इसे बड़ी खबर बताया। पत्रकार राणा अयूब ने भी वीडियो करौली का बताते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। तो क्या वाकई में ये वीडियो करौली में हाल में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है? करौली के जिला अधिकारी और मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह ने बताया कि ये वीडियो राजस्थान के करौली का नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का है और ये बात एक्टिविस्ट सैयद उज्मा परवीन ने ट्वीट करते हुए बताई थी। मस्जिद की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि ये मस्जिद गहमर में है। पोस्ट की गई इन तस्वीरों में दिख रही मस्जिद वायरल वीडियो से मेल खाती है। इसके अलावा पोस्ट की गई एक तस्वीर में उर्दू में मकतब इस्लामिया स्कूल और तीसरे वाक्य का पहला शब्द गहमर लिखा है। ऑल्ट न्यूज ने गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि ये घटना गहमर की है। पिछले हफ्ते इस मामले को सुलझा लिया गया था। उन्होंने कहा कि ये घटना भड़काऊ थी, जिस वजह से माहौल को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करेंगे। राम बदर सिंह के पीआरओ ने हमें बताया कि 2 अप्रैल को 200-300 लोगों का जुलूस मस्जिद से गुजर रहा था। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भड़काऊ व्यवहार किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इससे पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। फिर भी पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मामले की जाँच की जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स को गाजीपुर पुलिस ने रिप्लाई करते हुए बताया था कि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। गहमर के एसएचओ ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि मामले की जांच चल रही है और जिसे गिरफ्तार किया गया वो नाबालिग है। यानी करौली में हुई हिंसा का बताकर शेयर किया जा रहा ये वीडियो यूपी के गाजीपुर का था।